الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دینی بھائیو، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ بد نگاہی، جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے بد نگاہی کسی غیر محرم پر، کسی اجنبی عورت پر غلط نگاہیں ڈالنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اس بد نگاہی والے گناہوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمزوری آتی ہے. جب ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے تو پھر اعمال کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے شریعت نے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں. موجودہ دور میں یہ بہت مشکل کام ہے، نگاہوں کی حفاظت. اور یہ ایسا گناہ ہے اس میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں اور ہر طبقے کے لوگ مبتلا ہیں. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، سب لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. یہ عمومی گناہ ہے. نگاہوں کا غلط جگہ ٹکرانا، نگاہوں کا غلط جگہ استعمال کرنا، اس سے انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر داغ لگتا ہے، دھبے پڑتے ہیں،
इंसान का दिल ताकतार हो जाता है, फिर इबादतों की तौफीक नहीं मिलती। आज का मुसलमान नमाजें भी पढ़ता है, गुनाह भी करता है। आज का मुसलमान तिलावत भी करता है, दूसरे गुनाहों में भी मुब्तला है। मुसलमान नमाजें भी पढ़ता है, बदकारी में मुब्तला है। नमाजें भी पढ़ता है, जुआ भी खेलता है। नमाजें भी पढ़ता है, कोई गुनाह नहीं छोड़ता करने का, वो सब गुनाह भी कर लेता है। मिक्सिंग जिंदगी हमारी, और हमें हुक्म मिला है कि भाई नेकी वाली जिंदगी गुजारो, गुनाहों को छोड़ दो। नेकियों का करना मुश्किल है, गुनाहों का करना आसान है। गुनाह करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेकियां कमाने में मेहनतें करनी पड़ती। इसलिए फरमाया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अजनबियों की तरफ अपनी निगाह न उठाए, पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारे। जितना आदमी पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारता जाएगा, अल्लाह का कुर्ब उसे नसीब होगा, अल्लाह की नजदीकियां मिलेगी। और जिस बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है, फिर उसके लिए नेकियां करना आसान हो जाता है। आजकल माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं, आदमी जहां घर से निकलता है गुनाहों की दावत मिलती है, जहां घर से निकलता है गुनाहों की तरफ कदम फिसल जाता है। एक रिवायत में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्तों में बैठने से बचो। ये हमारी आदत है, चौराहों पर बैठना, नुक्कड़ों पर बैठना, रास्तों में बैठना, महफिलें सजाना, मजलिसबाजी करना, ये हमारी अमूमी आदत है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, रास्तों में बैठे बगैर हमारा गुजारा नहीं, हम तो रास्ते में बैठते हैं और बातें भी करते हैं। रास्तों में बैठते हैं हम तो अल्लाह के नबी, और वहाँ बैठकर बातें करते हैं। मजलिसों में क्या होता है, बातें होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रास्ते में बैठे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, तो फिर रास्ते का हक अदा करो। कंडीशन लगा दी, अगर रास्ते में बैठना ही है तो फिर रास्ते का हक अदा कीजिए। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, रास्ते का हक क्या है, बता दीजिए कि रास्ते का हक क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र को नीचे रखे। सबसे पहली चीज रास्ते का हक अदा करने में नज़र को नीचे रखें। है हमारी कोई बैठक ऐसी, हमारी कोई मजलिस ऐसी कि हम रास्ते में बैठे और निगाहें झुका कर बैठे हो? रास्ते में बैठने का मकसद ही यही होता है, आने जाने वाले को घूरना, आने जाने वाले पर नज़र रखना, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रही है, वो गई। सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाई कि अपनी नज़र को नीची रखे। जो बंदा नज़र नीची रख सकता हो वो रास्ते में बैठेगा। अगर नज़र की हिफाजत नहीं कर सकते, रास्ते में बैठने का कोई हक नहीं।
टाइम पास, थोड़ी देर चौराहे पर बैठकर आता हूँ, चाय की चुस्की लगा कर आता हूँ। वहाँ क्या होगा, दो चार आदमी बैठेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और नज़र यहाँ उठ रही है, वहाँ उठ रही है, इधर घूम रही है। बैठे बैठे कितने गुना। अल्लाह के नबी ने कंडीशन बताई, रास्ते में बैठना है सबसे पहली चीज, नज़र को नीची रखें। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाई, अगर रास्ते में बैठना है, दूसरा हक ये है कि तकलीफ देने वाली चीज को दूर करें। अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है, रास्ते में पत्थर पड़ा है, कांटे पड़े हैं या कोई गंदगी पड़ी है, तो उसको रास्ते से हटाओ। अगर तुम रास्ते से ये चीजें हटाओगे, रास्ते का हक अदा होगा। बल्कि हम तो जानबूझकर रास्ते में कूड़े करकट फेंकते, पत्थर फेंकते, आने जाने वालों को उससे तकलीफ होती है, ये भी गुनाह कबीरा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज इरशाद फरमाई, फरमाए कि रास्ते का तीसरा हक ये है कि सलाम का जवाब दो। आने वाला सलाम करेगा तो सलाम का जवाब दो। हम लोग बातों में इतने मुब्तला हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, कोई हमें सलाम करके जाता है तो जवाब देने की भी तौफीक नहीं। तीसरी चीज फरमाई के सलाम का जवाब दो। और चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई कि नेकियों की दावत दो और बुराइयों से मना करो। रास्ते का हक, चौथी चीज नेकियों की दावत दो और बुराइयों से मना करो। है हमारी बैठक में ये चीज़ कि हम वहाँ बैठकर नेकियों की दावत देते हैं कि भाई नमाज का वक्त हो रहा है, चलो कि भाई फुला गुनाह मत करो और बुराइयों से मना करो। जहाँ गुनाह नजर आए वहाँ उससे रोको। जो बंदा ये चार हक अदा कर सकता हो वो रास्ते में बैठेगा, वरना उसे रास्ते में बैठने का हक नहीं है। क्यों? इसलिए कि जहां बैठेगा तो निगाहों के गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। और बताया कि नेकियां करना बड़ा मुश्किल है, गुनाह का करना आसान है। गुनाह करने में कोई मेहनत नहीं, किसी को बुरी नजर से देख लिया गुनाह हो गया, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। नेकियां करना मुश्किल, अब निगाहों को नीची करना, झुका कर चलना, नीची निगाहें करके बैठना, ये मुश्किल है। और ये चीज करने में हमें नेकियां मिलती हैं, लेकिन शैतान और नफ्स ऐसा है कि हमें नेकियां करने नहीं देता, हमें गुनाहों की तरफ आमदा करता है, गुनाहों की तरफ ले जाता है और वो चूहे लगाता है, इंजेक्शन लगाता है। इसलिए जो उसने तो कसम खा रखी, जब अल्लाह ने उसे निकाला अपने दरबार से तो उसने मोहलत मांगी कि मुझे कयामत तक मोहलत दीजिए। उसे मोहलत मिल गई कयामत तक की, तो फिर उसने कहा لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ। शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदे को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी उन पर हमला करूंगा। لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, उनके सामने से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, उनके दाएं से भी हमला करूंगा, उनके बाएं से भी हमला करूंगा। उसने कसम खाई कि गुनाहों में मुब्तला कर दूंगा। उलमा ने लिखा है
कि उसने चारों सिफ्त बयान की, दाएं बाएं आगे पीछे, लेकिन दो सिफ्त भूल गया, ऊपर वाली सिफ्त और नीचे वाली सिफ्त। उसने ये नहीं कहा कि ऊपर से भी हमला करूंगा, नीचे से भी हमला करूंगा। तो उलमा ने लिखा है कि अगर ऊपर देखोगे, निगाहें ऊपर करके चलोगे, ठोकर खाकर गिर जाओगे, गिरने का अंदेशा है, तो वो सिफ्त भी खत्म हो गई। अब एक सिफ्त बची है बचाव की, वो है निगाहों को नीची करके चलना। जो बंदा निगाहें नीची करके चलेगा वो शैतान के हमले से महफूज होगा। कोई हमला उस पर कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन इंसान अपने हिस्से का काम करे, कोशिश करे, मेहनत करे गुनाहों से बचने की, बदनिगाही से बचने की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब आजमाइश में डाला गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आजमाइश में मुब्तला हुए, जुलेखा ने महल के दरवाजे बंद कर दिए, उस पर बड़े बड़े ताले लगा दिए, कुफल लगा दिए गए, और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते हैं ईमान दाव पर लगा हुआ है, इज्जत दाव पर लगी है, चारों तरफ से महल के दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, बचना बज़ाहिर मुश्किल है, कोशिश करेंगे तो भी बचने की कोई सूरत नहीं। चारों तरफ से ताले लगे, जुलेखा ने ताले लगा दिए दरवाजे पर, और फिर दावत शबाब दी, आइए गुनाह कर लीजिए, शहवत पूरी कर लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे नहीं रहे, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, जो उनके बस में था उन्होंने किया। सामने दरवाजा है, ताला भी लगा हुआ है, और जानते भी हैं कि ये दरवाजा ताला खुले बगैर खुलने वाला नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजे तक पहुंच गए, दुआ भी कर रहे हैं, अल्लामीन मेरे इख्तियार में जो था वो मैंने कर लिया, मेरे बस में जो मैं कर सकता था वो काम मैंने कर लिया, आगे का काम तेरा है, आगे तेरी कुदरत है, आगे बचाने वाला तू है, इज्जत दांव पर लगी है, ईमान दांव पर लगा है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हिस्से का काम किया, अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे तक पहुंचे, तो फिर अल्लाह की कुदरत भी जोश में आई और वो दरवाजे से ताले खुलते गए, दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना ईमान भी बचा कर ले गए, अपनी इज्जत भी बचा ली। तो अपने हिस्से का काम तो करो पहले, ऐसा नहीं है कि सामने गुनाह की दावत मिल रही है हम बचाव नहीं कर सकते, बच सकते हैं। कोशिश करो, हिम्मत करो, अल्लाह से मांगो, ए अल्लाह इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में अल्लाह ने रखा, कितने दिन रहे उसमें मुख्तलिफ अकवाल है, एक दिन का भी कॉल है, तीन दिन का कॉल है, सात दिन का कॉल है, चालीस दिन का कॉल है। तो मछली के पेट की तारीकियां, समंदर की तारीकियां, रात की तारीकियां, अल्लाह से दुआएं मांग रहे, और दुआ मांगी ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अपने हिस्से का काम किया, इख्तियार इतना था, काम इतना कर सकते थे, अल्लाह से दुआ कर सकते थे, ए अल्लाह इस तारीकी से नजात अता फरमा, इस घुटन से मुझे बचा लीजिए। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने हिस्से का काम किया, फस्तजबना लहू वनजैनाहू मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। अब ताला शानु फरमाते कि हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उस घुटन से नजात दी, मछली के पेट से उनको बाहर निकाल दिया।
बंदा अपने हिस्से का काम करे। ये निगाहों का बद निगाही का मामला भी ऐसा है, आदमी बचने की कोशिश करे। يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ। अब ताला शानु फरमाते हैं कि हम आंखों की खयानत भी जानते हैं, दिलों के भेद को भी जानते हैं। हमारे हजरत इसका तर्जमा फरमाते हैं कि चोरियां आंखों की और सीनों के राज, जानता है सबको तू है बेनियाज। कोई जाने या न जाने अल्लाह जानता है, कोई पहचाने या न पहचाने अल्लाह सब कुछ पहचानने वाले हैं। हम बदनिगाही करते हैं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह देखता है। जिसके दिल में अल्लाह के देखने का डर होगा वही इस गुनाह से बचेगा। अल्लाह ताला बदनिगाही से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।